जौनपुर सीट से समाज विकास क्रांति पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह एक बार फिर खबरों में है। SVKP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जहां नामांकन करने बैलगाड़ी से पहुंचे थे, वहीं अब नेताजी ने एक बार फिर हेलीकॉप्टर से पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर उतारने वाले नेताजी ने लोगों को गाना गाकर भी सुनाया है। सिर्फ ये बताना चाहूंगा जो मेरे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, जो हमारे कलाकार ने बताया आपको कि जब मैं आपने मुझे वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, जब वो सौभाग्य आपने मुझे दिया गन्ना किसान के सामने कपट दबा के अगर मैं सांसद चुन के जाता हूँ, मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 73 लोकसभा जोधपुर का प्रत्याशी होने के नाते आपसे वादा करता हूँ। रिलिया पैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया पैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया पैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया पैरन रिलिया पैरन रिलिया पैरन रिलिया पैरन लिया पैरन पिया को लिए जाए रे, लिया पैरन पिया को लिए जाए रे, लिया पैरन मैं दिखाना चाहता हूं जौनपुर के लोगों को जो किसी के बहकावे में जाते हैं। एक किसान भी बैलगाड़ी से भी चल सकता है, हवाई जहाज़ से भी चल सकता है, और एक किसान भी व्यापारी बन सकता है। मैं किसान का बेटा हूं, मैंने ये सफ़र तय किया है, इसलिए मैं दिखाने की कोशिश किया है मैंने। और मैंने किसान का बेटा होने के नाते मैंने हल भी जोता है, मैं बैलगाड़ी भी चला हूँ, और मैंने पंप सीट भी चलाने का काम किया है, मैंने कुदार भी चलाने का काम किया है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी हो सकता है, तो किसी को निगेटिव न लो। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो लोग जो भ्रष्टाचारी लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे BSP के हों, ये जो लोग आए हैं, एक तो कांग्रेस में भ्रष्टाचार करके आए हैं, BJP का दामन में उसको अपना पाप धोने के लिए आए हैं, वो उनको जनता नहीं पसंद कर रही है। और दूसरे जो है बाबू सिंह कुशवाहा, वो भी हैं, कृपा शंकर सिंह के अलावा बाबू सिंह कुशवाहा भी है, जो कि बसपा में भ्रष्टाचार के समाजवादी पार्टी का दामन थामे हैं। और जो श्याम सिंह यादव हैं, जो बसपा के कैंडिडेट हैं, धनंजय सिंह बेचारे जैसे अच्छे नेक इंसान कोई नहीं होगा, उनकी पत्नी का टिकट काट के आए हैं, क्योंकि B टीम है भारतीय जनता पार्टी की, मायावती जी उनका टिकट काटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज विकास क्रांति पार्टी को उतारी है, और मैं भी यहाँ पे 73 लोकसभा जौनपुर से लड़ने जा रहा हूँ, तो मैं किसानों के हित में काम करूँगा। इसलिए मैंने ये दिखाया है कि धूप में चल के आप काम करोगे तब देश का विकास होगा, और यही चीज़ दिखाया। और ये भी दिखाया हूँ कि हर किसान, हर गरीब आदमी हेलीकॉप्टर में भी चढ़ सकता है। नहीं, भारतीय संविधान ये कहता है कि लोगों को हंसाने का काम करो। भारतीय संविधान ये कहता है लोग अगर मरते रहें तो ऐसा करो, ऐसा हंसो कि 2 दिन की ज़िंदगी उनकी और बढ़ जाए। तो मैं यही काम करता हूँ, बेचारे धूप में बैठे हैं, मेरे गाना सुनने से अगर 2-4 लोगों को अगर आनंद आता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।